नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश और मैं हूं आपके साथ दीपक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज पूरी दुनिया बाल श्रम निषेध दिवस मना रही है। हर साल 12 जून को बाल श्रम की समस्या के समाधान और हर एक बच्चे को उसके अधिकार दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 19 साल पहले इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम की जंजीरों से आजाद कराकर उनको शिक्षा के पंख देकर भविष्य की नई उड़ान देना इसका उद्देश्य था। लेकिन क्या हमारा देश इस उड़ान को देने में कामयाब हो पाया है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बिहार। बाल श्रम को सरल शब्दों में समझें तो कोई भी ऐसा काम जो बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है, उनकी नियमित शिक्षा में हस्तक्षेप करता है और मानसिक, शारीरिक और सामाजिक या नैतिक रूप से हानिकारक होता है, ऐसे कामों में बच्चों को लगाना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम आज भी हमारे देश के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। आज भी हमारे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाल श्रम करने को मजबूर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर राजस्थान में बाल श्रम कर रहे हैं। अगर बात करें इसके कारणों की तो गरीबी और शिक्षा का अभाव इसके मुख्य कारण हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या और बच्चों की तस्करी भी इसे बढ़ा रही है। बाल श्रम की वजह से कई बच्चे अपना बचपन तो खोते ही हैं। इसके साथ ही एक रिपोर्ट के अनुसार 40% बाल श्रम करने वाले बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं। इसके अलावा कई बच्चों का बाल श्रम की वजह से मानसिक विकास भी नहीं हो पाता और न जाने कितने बच्चे बचपन में ही अपनी जान गंवा देते हैं। अब बात करें सरकार और प्रशासन के द्वारा इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी प्रकार का बलात्श्रम निषिद्ध है और अनुच्छेद 24 पूरी तरह से बाल श्रम को निषिद्ध करता है। इसके साथ ही बाल श्रम निषेध और अधिनियम अधिनियम 1986, जुवेनाइल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रन अधिनियम 2000 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने बच्चों को बाल श्रम के अंधकार से निकालकर शिक्षा के उजाले की तरफ बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। इसके अलावा कई सारी सामाजिक संस्थाएं और क्रांतिकारी नागरिक भी बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि बच्चे स्कूलों में पढ़ने और खेलने के लिए होते हैं, कार्यस्थल के काम करने के लिए नहीं। बाल श्रम बच्चों से उनका बचपन तो छीनता ही है, साथ ही गरीबी को भी पीढ़ीगत बनाता है। ये केवल एक देश के रूप में ही नहीं बल्कि एक समाज के रूप में भी हमको आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन क्या इसकी रोकथाम केवल सरकार और प्रशासन का ही काम है? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि जहां भी हम बाल श्रम देखें तो तुरंत पुलिस को या प्रशासन को खबर करें? अपनी तरफ से छोटा बड़ा जितना भी जैसा भी योगदान हो, क्या हम इसको रोकने और उन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए नहीं दे सकते? सोचिएगा जरूर। बाकी देश, दुनिया और राजस्थान की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।